राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने रोहिणी के प्रेमनगर थाना इलाके से मुठभेड़ के बाद तीन शातिर बदमाशों को धर दबोचा। ये तीनों आरोपी पशु हत्या में शामिल थे। ये बड़ी कामयाबी नॉर्थ रोहिणी थाना पुलिस को मिली है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार बीते 26 अगस्त शुक्रवार की देर रात को नॉर्थ रोहिणी थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि प्रेमनगर थाना इलाके के भाग्य विहार में पशु हत्या की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना आधार पर नॉर्थ रोहिणी थाने में तैनात एसआई नवीन, हेड कांस्टेबल संदीप, प्रवीण, अरुण, रवि दत्त, अनिल दहिया, ओम प्रकाश और कांस्टेबल देवी की एक स्पेशल टीम ने भाग्य विहार के छठ घाट पर पहुंची तो टीम ने देखा कि वहां पर तीन लोग एक सांड की हत्या कर रहे थे कि अचानक पुलिस टीम को देखकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों द्वारा गोलीबारी को देखकर पुलिस टीम ने भी आरोपियों पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें दो लोग घायल हो गए और एक शख्स को मौके पर ही धर दबोचा। जिले के डीसीपी ने बताया कि आरोपियों की तरफ से दो और पुलिस तरफ से पांच राउंड फायरिंग की गई। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 32 बोर की एक पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस, एक स्विफ्ट कार, एक स्कूटी और चॉपर भी बरामद किया है। नॉर्थ रोहिणी थाने की टीम को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कल और आज की रात के बीच तीन चार लोग प्रेमनगर के भागे विहार इलाके में कैटल स्लॉटर के इरादे से आए थे। उनकी रेडिंग पार्टी जब आज रात को इलाके में घूम रही थी, तब उन्होंने वहाँ पर छठ पूजा पार्क के पास देखा करीब 2:30 बजे के करीब कि तीन लोग एक बुल को स्लॉटर कर रहे हैं। पुलिस वालों ने इनको रोकने को कहा, पर जो अक्यूज्ड हैं इन्होंने पुलिस पार्टी पर दो राउंड फायर किए और पुलिस पार्टी ने सेल्फ डिफेंस में पांच राउंड फायर करके इनको ओवरपावर किया। ये जो अक्यूज्ड हैं इनके नाम अमान उर रहमान, उस्मान और एती आलम शाह हैं। इसमें से पुलिस कार्रवाई के दौरान उस्मान और अमान उर रहमान को माइनर इंजरीज आई हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो इन्होंने बुल को जो स्लॉटर कर रहे थे, इससे जो रिकवरी हुई है, एक स्विफ्ट गाड़ी रिकवर हुई है, एक स्कूटी, जो दो चॉपर्स जो 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 बुचर्स यूज़ करते हैं काटने के लिए, एक 0.32 बोर की पिस्टल, चार लाइव कार्टूजेस भी इन सब से इनसे रिकवर हुए हैं। इन दोनों की कंडीशन ठीक है और पुलिस अभी अपनी लीगल कार्रवाई कर रही है।